हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक्यम। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कैपिलरी इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी कवर किया है जो बहुत ही इजी वे में है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ओके, तो यहाँ एप्लीकेशन को मैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिखना, इससे नंबर भी अच्छे मिलेंगे और एग्जामिनर को चेक करने में इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी। ओके, वैक्सीन एनालिसिस में, ठीक है, प्रोटीन एंड डीएनए एनालिसिस में, डिटरमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर माइक्रो मॉलिक्यूल में, एनालिसिस ऑफ स्मॉल इनऑर्गेनिक में, फाइन मेटल्स में, एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक डीएनए एनालिसिस आल्सो प्रोवाइड अ रिलेबल टू इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। ओके, देन क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, लिपोप्रोटीन एनालिसिस में, लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको, सीरम प्रोटीन एनालिसिस में, डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर डिसीज डायग्नोसिस में, एंड विटामिन एमिनो एसिड इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके एप्लीकेशन है अलग अलग फील्ड में, इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके थियोरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार खत्म होता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।